वेलकम टू कुकिंग विद गुनाश यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान गरम मसाले की रेसिपी, जिसे घर में आप बना सकते हैं और अपने खाने को जो है वो और भी मज़ेदार बना सकते हैं इस तरीके का गरम मसाला बना के, जो चंद इंग्रेडिएंट से ही घर में तैयार हो जाता है। तो चलिए ये फटाफट किचन में चलते हैं और इस होम मेड जो गरम मसाला है उसे बनाने की तरकीब को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं गरम मसाला, होम मेड गरम मसाले की रेसिपी दे रहे हैं आपको। इसके लिए हमें जो सामान चाहिए, सबसे पहले हम लेंगे वाइट ज़ीरा। वाइट ज़ीरा हमने लिया है 2 खाने का चम्मच। इसके बाद हमें दालचीनी चाहिए, दालचीनी हम लिए 10 से 12 टुकड़े। इसके बाद हमें चाहिए काली मिर्ची 1 खाने का चम्मच। लौंग हमने लिए 1 चाय का चम्मच। बड़ी इलायची लिए 10 से 12 और एक इंच का टुकड़ा हमने लिया, इतना बड़ा टुकड़ा हमने लिया जायफल का। सारे गरम मसाले को पीस लेंगे। ये हमारा होम मेड मसाला है, गरम मसाला जो हम सालन में यूज़ करते हैं उसी गरम मसाले की हम आपको रेसिपी दे रहे हैं। तो ये गरम मसाला हम पीस लेंगे। मसाला आपको बताया था ये हम पीस लेंगे। देखिए इस जग पे डाल लें, दूसरे मशीन के इस पर डाल के हम पीस लेंगे। आप हवल दस्ते में भी पीस सकते हैं, हम ब्लेंडर मशीन में पीस लें, देखिए इसमें डाल देंगे और इसे ब्लेंडर पीस लेंगे। होम मेड गर्म मसाले की रेसिपी दी है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और घर में भी इस तरीके से गर्म मसाला बना सकते हैं। हम जो अपने घर में गर्म मसाला यूज़ करते हैं, जो इंग्रीडियंट डालते हैं वो हमने आपको बता दिया है और इसे हमने ब्लेंडर कर लिया है। ये बहुत मज़ेदार और खुशबूदार जो है गरम मसाला तैयार होता है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले भी हम डिफरेंट किस्म के मसाले की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें बिरयानी का मसाला, चाट मसाला और पकौड़ों का मसाला भी मौजूद है। तो आप आसानी में जाकर देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।